गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर सेकेंड ऑफ हिस्ट्री, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स। सो स्टूडेंट, हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि 7 से 12 सेंचुरीज के बीच में किन नए डायनेस्टीज़ का एमर्ज हुआ, किन नई डायनेस्टीज़ का उदय हुआ। तो टॉपिक हम शुरू करेंगे फर्स्ट द एमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज़। तो नई डायनेस्टीज़ जो हैं उनकी एमर्जेंस कैसे हुई। तो 7 सेंचुरीज़ के बाद बड़े बड़े लैंडलॉर्ड्स और वेरियस चीफ जो हैं वो अस्तित्व में आए, और जो राजा हैं उन्होंने अपने इन सबॉर्डिनेट्स को नाम दिया सामंतास, और उनसे वो ये एक्सपेक्ट करते थे कि मींस जो ये सामंतास हैं वो उन्हें गिफ्ट दें, उनके दरबार में अपनी प्रेजेंस लगाएं, और इसके साथ साथ उनको मिलिट्री पावर भी प्रोवाइड करें। समय के साथ साथ जैसे जैसे ये सामंतास पावरफुल होते चले गए, अच्छी खासी वेल्थ जब इनके पास यानी धन जो है वो इकट्ठा हो गया, तो इन्होंने अपने आप को महासामंतास या महामंडलेश्वरा घोषित कर दिया। और कई बार ऐसा भी हुआ कि इन्होंने अपने स्वामियों से अपने आप को एक इंडिपेंडेंट रूलर जो है वो अनाउंस कर दिया। इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल देखने को मिलता है दक्षिण के राष्ट्रकूटास से, जो कि कर्नाटका के चालुक्यास के सबॉर्डिनेट थे। लेकिन मिड ऑफ 8th सेंचुरी में राष्ट्रकूटा चीफ जो दांती दुर्ग थे, उन्होंने अपने चालुक्य स्वामियों का की जो अधीनता है उसको मानने से इनकार कर दिया, और साथ ही साथ उन्होंने एक रिचुअल यानी एक अनुष्ठान भी किया। और ये जो अनुष्ठान है उसकी ये मान्यता थी कि जब इसे किसी भी व्यक्ति के द्वारा ये अनुष्ठान जो है ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाए, तो ये माना जाता था कि अगर वो व्यक्ति जो है जन्म से क्षत्रिय नहीं है तो इस यज्ञ को करने के बाद वो क्षत्रिय का रूप प्राप्त कर लेता है। और इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल और भी है कि कुछ जो इंटरप्राइजिंग फैमिलीज़ थी यानी कि जो उद्यमी परिवार जो थे, तो उनके पुरुषों ने भी कुछ ऐसा ही किया। कुछ उन्होंने जो मिलिट्री स्किल्स हैं उन्हें सीखा और अपने छोटे छोटे जो राज्य हैं वो स्थापित कर लिए। और दूसरा एग्जाम्पल हम देखते हैं ब्राह्मणों का, तो कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार जो कि ब्राह्मण थे, तो उन्होंने अपने परंपरागत पेशे यानी ट्रेडिशनल प्रोफेशन को छोड़ दिया और जो शस्त्र हैं वो धारण कर लिए, और कर्नाटका और राजस्थान में उन्होंने अपने जो राज्य हैं वो स्थापित कर लिए। अगला टॉपिक है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। अब ये जो नए नए राजा थे पदवी लेने के बाद या राज्य स्थापित करने के बाद, इन्होंने अपने नाम के साथ भारी भरकम जो टाइटल्स हैं वो जोड़ने शुरू कर दिए, जैसे महाराजाधिराज या त्रिभुवन चक्रवर्ती जिन्हें तीनों लोक का स्वामी कहा जाता है। तो अपनी शक्ति और पावर को दिखाने के लिए उन्होंने ऐसा किया, लेकिन इसके बावजूद भी उनको अपने शासन में कहीं ना कहीं कुछ लोगों की सहायता जो है वो लेनी पड़ती थी। सामंतास तो उनके सबॉर्डिनेट थे ही, इसके साथ साथ उन्होंने किसानों या फिर ब्राह्मण हैं या व्यापारी हैं उनके साथ भी अपनी पावर को शेयर किया। अब बात करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन आखिर किया कैसे जाता था। पावर शेयर हो गई, इसके बाद जो रिसोर्सेस प्रोड्यूसर्स थे यानी वो लोग जो कि उत्पादक हैं जैसे किसान हैं, कैटल कीपर्स हैं, आर्टिशियंस हैं, तो उनको पर्सुएट किया जाता था। पर्सुएट का मतलब होता है रिक्वेस्ट करना या फिर कंपेल्ड जबरदस्ती उनसे उनके प्रोड्यूस का कुछ पार्ट राजा को देने के लिए कहा जाता था। और कई बार ऐसा भी क्लेम किया गया कि एज अ रिवेन्यू तो उनको ये देना होगा, और इसके साथ साथ जो व्यापारी हैं राज्य के उनसे भी जो रिवेन्यू है वो कलेक्ट किया जाता था। अब इन रिसोर्सेज का राजा यूज़ कहाँ करता था, क्योंकि ये उसकी एक फाइनेंस एस्टैब्लिशमेंट है, उसकी एक अचीवमेंट्स हैं, तो इन रिसोर्सेज का यूज़ वो ख़ास तौर से जैसे टेम्पल्स का कंस्ट्रक्शन करवाना है या उसके किले बनवाने हैं तो इनमें भी उसका वो खर्चा होता था। इसके अलावा वॉर फाइट करने के लिए युद्ध करना है, क्योंकि उसको एक्सपेक्टेशंस क्या होती थी, अगर युद्ध करेंगे और अगर उसमें जीत हासिल होगी तो बहुत सा धन उसमें प्राप्त होगा। इसके अलावा उस राज्य पर उनका कब्ज़ा हो जाएगा, और इसके साथ साथ जो ट्रेड रूट्स हैं वो भी उनको मिल जाएंगे। अब इन रिसोर्सेज कलेक्शन का काम राजा करवाता कैसे था, तो ये काम जो है मुख्य रूप से या तो कोई जो इन्फ्लुएंस्ड फैमिलीज़ हैं यानी कि जो प्रभावशाली फैमिलीज़ हैं, रिच फैमिलीज़ के जो लोग हैं, या उसके अपने जो क्लोज़ रिलेटिव्स हैं, तो उनकी मदद से ये काम किया जाता था।
और इसके अलावा जो पोस्ट इस पर्पज़ के लिए दी जाती थी वो हेरिडिटेरी होती थी। तो हेरिडिटेरी का मतलब होता है वंशानुगत, यानी एक ही परिवार के सदस्य जो हैं एक के बाद एक इस पोजीशन को प्राप्त करते थे। नेक्स्ट इसमें है प्रशस्ति एंड लैंड ग्रांट्स। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा करना। तो प्रशस्ति जो है अगर हम बात करें तो लिटरली उसमें जो कुछ लिखा जाता था वो सही नहीं होता था। तो मोस्ट ऑफ चीज़ें या बातें उसमें वो होती थी कि जो राजा स्वयं को जैसा डिपिक्ट करवाना चाहता था, जैसा वो शो करना चाहता था कि मैं इतना प्रभावशाली हूँ, शक्तिशाली हूँ, तो वैसा ही कुछ प्रशस्ति इसमें लिखा जाता था। और इसको लिखने वाले होते थे ब्राह्मण, तो जो कि बहुत ही लर्न्ड यानी कि विद्वान हुआ करते थे, तो वो प्रशस्तीज लिखा करते थे और साथ साथ वो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में भी हेल्प करते थे राजा की। इसके बाद जो राजा हैं उनको इन प्रशस्तीज के बदले में रिवॉर्ड्स दिया करते थे। तो जैसे उनको लैंड जो है वो ग्रांट में दे दी, या कुछ और प्रॉपर्टीज़ उनको दे दी, तो जो कुछ भी उनको दिया जाता था बदले में, तो उन्हें इन कॉपर प्लेट्स में, जो आप ये पिक्चर यहाँ पे देख रहे हो, तो इन कॉपर प्लेट्स में वो मेंशनड होता था, एक रिकॉर्ड तैयार किया जाता था कि राजा ने किस ब्राह्मण को क्या चीज़ जो है एज अ ग्रांट फॉर्म में दी है। तो वो सारी बातें सारी चीज़ें यहाँ लिखी जाती थी। इसके बाद नेक्स्ट वन, अनयूजल फॉर द 12th सेंचुरी वॉज अ लॉन्ग संस्कृत पोएम कंटेनिंग द हिस्ट्री ऑफ किंग्स हु रूल्ड ओवर कश्मीर। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि वो राजा जिन्होंने कश्मीर पर शासन किया, तो उनका यानी कि जो कश्मीर हिस्ट्री है उसको कंपोज किया था एक कल्हन नामक पोएट ने। तो लेकिन उसने प्रशस्ति की तरह काम नहीं किया, यानी उन राजाओं की उसने प्रशंसा नहीं की। उसने क्या किया, उन राजाओं के बारे में जानने के लिए बहुत सारे सोर्सेज यूज़ किए, जैसे इंस्क्रिप्शंस हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, आई विटनेस हैं, या फिर कोई अर्ली हिस्ट्री में उनके बारे में कुछ लिखा गया है। तो वहाँ से उसने उन सब चीज़ों को चुना, ढूंढा और फिर कश्मीर के राजाओं के बारे में लिखा। और वो मोस्ट ऑफ जो है वो क्रिटिक्स था, कि जो राजाओं की कुछ जो बुरी चीज़ें होती थी उनके बारे में भी वो लिखता था। तो यानी वो प्रशस्ति राइटर्स से थोड़ा सा हटकर था और जो रियल में चीज़ें थी, जो किसी भी राजा के बारे में जो रियलिटी थी, उनके बारे में ही वो लिखा करता था। अब बात करते हैं वारफेयर फॉर हेल्थ की और वेल्थ, सॉरी। तो वारफेयर का मतलब क्या होता है, युद्ध करना। अब यहाँ क्या बात हो रही है कि यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज वॉज बेस्ड इन अ स्पेसिफिक रीजन्स। अब जो ये डायनेस्टीज इस्टेब्लिश की गई तो ये एक पर्टिकुलर रीजन में थी। हर राजा का अपना एक राज्य था, लेकिन हर राजा अपनी पावर को भी बढ़ाना चाहता है, तो इसके लिए उसको क्या चाहिए था, वो दूसरी डायनेस्टीज़ के ऊपर अपना कंट्रोल करना चाहता था, तो इसके लिए वो वॉर यानी युद्ध लड़ा करते थे। तो ऐसे ही एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डायनेस्टी थी कन्नौज, जो कि गंगा वैली में थी, और बहुत से जो डायनेस्टी या रूलर्स जो थे वो इसके ऊपर अपना कब्ज़ा करना चाहते थे, जैसे गुर्जर प्रतिहाराज हैं, राष्ट्रकूटाज हैं और पाला डायनेस्टीज़ हैं। तो ये तीनों हमेशा आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे कन्नौज के ऊपर अपना कब्ज़ा पाने के लिए। और उनकी जो ये लड़ाई थी बहुत लंबे समय तक चली, इसीलिए हिस्टोरियंस ने उनको एक नाम दे दिया, त्रिपति स्ट्रगल। इसके बाद जैसा कि हम ये देख रहे हैं कि जो रूलर्स हैं अपने पावर को डेमोंस्ट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो वॉर के द्वारा या कोई ऐसे कंस्ट्रक्शंस के द्वारा, तो इसके साथ साथ जो वो अपनी पावर है यानी वॉर के अलावा वो अपनी जो पावर है या अपने रिसोर्सेज जो हैं वो बड़े बड़े मंदिर बना करके भी शो करते थे। तो इसीलिए कई बार क्या होता था, जब ये आपस में लड़ते थे, जब इनका वॉर होता था, तो इनका मेन टारगेट होता था टेम्पल्स। तो ताकि जिस टेम्पल को टारगेट करते थे तो वो काफ़ी एक्सट्रीमली रिच हुआ करते थे, बहुत से इसमें जो धन है राजा अपना लगाता था, और दूसरी वो उसकी पावर का भी प्रतीक था। तो उस पर अटैक करना या उसको तोड़ना फोड़ना, इसका मतलब वो राजा की डिग्निटी और पावर को कहीं ना कहीं हर्ट कर रहे हैं। इसका एक बहुत सीधा सा एग्जाम्पल यहाँ पर दिया कि वन ऑफ़ द बेस्ट नोन ऑफ सच रूलर इज़ सुल्तान महमूद ऑफ गजनी अफ़गानिस्तान। तो अफ़गानिस्तान के गजनी शहर का सुल्तान था महमूद, जिसने 1997 से लेके 1030 तक शासन किया, और उसने बहुत बड़े हिस्से पर अपना कब्ज़ा किया हुआ था, और उसने ऑलमोस्ट इंडिया पर हर साल ही आक्रमण किया, और उसके आक्रमण का एक ही उद्देश्य होता था कि वो यहाँ के मंदिरों पर अटैक करे और बहुत सारा धन खजाना लूट करके अपने देश में ले जाए। जिसमें उसने जैसे सोमनाथ जो कि गुजरात में है, तो ये टेंपल भी काफ़ी वेल्दी है, काफ़ी
इसमें धन जो है काफ़ी लगा हुआ है। तो ऐसा माना जाता है कि उसने अपनी जो कैपिटल है गजनी, तो वो बहुत ही शानदार तैयार करवाई थी। और ये माना जाता है कि मीन्स उसने वो अब कैपिटल जो है इन्हीं मंदिरों के लूट के धन से तैयार की थी। सारा पैसा उसने जो है मंदिरों से जो लूटा था वो सब उसने अपनी कैपिटल को इस्टेब्लिश करने में लगा दी। सुल्तान महमूद के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी है कि वो जिनके ऊपर आक्रमण करता था, जिन भी राजाओं के ऊपर और या उन पर जीत हासिल करता था, तो वो उनके बारे में जानना भी चाहता था कि आखिर वो कौन है। और इवन वो अपने उनसे रिलेट जो भी उसके जो वॉर इवेंट्स थे उनके बारे में भी वो लिखवाना चाहता था। और इसके लिए उसने हेल्प ली अपने एक स्कॉलर अलबरूनी की, जिसने कि अरेबिक लैंग्वेज में एक बुक लिखी जिसका नाम था किताबुल हिंद। और इस बुक में उसने संस्कृत जो स्कॉलर्स हैं उसकी भी हेल्प ली इसको लिखने के लिए। और जो इवेंट्स, जो भी युद्ध उसने भारत के शासकों से किए थे उनके बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो उसमें दिया। नेक्स्ट वन, अब हिंदू राजाओं की बात करें तो वो भी युद्धों में कम नहीं थे, तो वो भी कहीं ना कहीं आपस में युद्धों में, लड़ाई में इन्वॉल्व रहते थे। और उन्हीं में नाम आता है चहमनाज का, जिन्हें बाद में कहा जाता था चौहान। और इन्होंने दिल्ली और अजमेर पर शासन किया, और मोस्ट ऑफ इनका जो क्लैश रहता था वो गुजरात के चालुक्य और उत्तर प्रदेश के गढ़वालों के साथ। और इन्हीं चहमनाज रूलर्स में पृथ्वीराज चौहान, नाम सुना होगा ये आपने, तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जिसने कि अफगान रूलर सुल्तान महमूद गौरी को भी हराया था 1191 में, और लेकिन नेक्स्ट ईयर ही 1192 में वो इसके साथ युद्ध करता हुआ हार गया था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, अ क्लोजर लुक द चोलास, इनके बारे में भी कुछ जान लें। तो इनके बारे में क्या कहना चाहते हैं हम यहाँ पे, हाउ डिड द चोलास रेज टू पावर। अब जो चोलास हैं उन्होंने अपनी पावर को किस तरीके से बढ़ाया, किस तरीके से इम्प्रूव किया। अ माइनर चीफली फैमिली नोन एज द मटियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा, देवर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवाज किंग ऑफ कांचीपुरम विजयालया, हु बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ द चोलास फ्रॉम ओरियर, कैप्चर्ड द डेल्टा फ्रॉम मुटारियर इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी, एंड ही बिल्ड द टाउन ऑफ थंजावुर एंड अ टेम्पल ऑफ गॉडेस दैट इज निशुम्भ सुदिनी देर। तो जो चोल वंश हैं यानी कि जो चोला डायनेस्टी हैं, तो वो कैसे पावर में आई, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्क्रिप्शन पढ़ लें कि ये कावेरी डेल्टा में मुटरियार नाम के एक प्रसिद्ध छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। उरियार के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य में मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया, और उसने वहाँ तंजावुर शहर और निशुम्भ सुदिनी देवी का मंदिर बनाया। द सक्सेसर ऑफ विजयालयस कंक्वर्ड नेबरिंग रीजन एंड द किंगडम्स ग्रू इन साइज एंड पावर, द पांड्यांस एंड द पालवास टेरिटरीज टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम। अब इन लोगों ने ही आगे अपने जो पड़ोसी इलाके हैं उनको जीता, अपने राज्य में बड़ी सफलतापूर्वक उनको मिलाया, और दिन दुगनी मीन्स वो अपनी जो शक्ति को बढ़ाना उन्होंने शुरू कर दिया। तो जैसे दक्षिण और उत्तर में उन्होंने पांडियन और पल्लव के जो इलाके हैं इन राज्यों का हिस्सा वो बना लिया गया, उनको जीत लिया उन्होंने। राजा राज प्रथम जो हैं, जो सबसे ही शक्तिशाली चोल शासक माने जाते थे, तो उन्होंने 1985 में वो राजा बने, और उन्होंने ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण भी किया और विस्तार भी किया। यानी कि इनका मेन जो टारगेट रहता था कि अपने राज्य को कितना वो ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं, कितना ज़्यादा से ज़्यादा फैला सकते हैं, क्योंकि जिस भी राजा का किंगडम या राज्य सबसे बड़ा होगा तो वो उतना ही ज़्यादा पावरफुल माना जाता था। फिर आगे राजा राज के पुत्र थे, उनके बेटे थे, और जिनका नाम था राजेंद्र प्रथम, तो उन्होंने भी सेम अपनी इसी नीति को अपनाया जो उसके पिता की थी। और उन्होंने जितना भी आगे का इलाका था, यानी कि गंगा घाटी का एरिया हो गया, श्रीलंका है, दक्षिण पूर्व एशिया है के देश हैं, उन पर भी उसने अपने हमले किए। और इस अभियान को लेकर के उन्होंने एक जल सेना भी बनाई थी जो कि बहुत खास थी और जो कि इनकी पावर को शो करती थी। आगे का टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर सब। इट्स गुड बाय टू एवरीवन, टेक केयर यू ऑल, स्टे एट होम एंड बी सेफ।